साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई प्रणाली में बनाए गए विभिन्न प्रकोष्ठों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नगर एक्ट ने महानगर में डेंगू एवं संचारी रोगों की रोकथाम हेतु किए जा रहे एंटी लार्वा व फॉगिंग कार्य का किया स्थलीय निरीक्षण। खोराबार थाने की पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जीआरपी पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 60 मोबाइल फोन को किया बरामद। ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के खिलाफ सभी दलों के पार्षदों ने खोला मोर्चा। नगर आयुक्त को पत्र सौंप जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। घोसी उपचुनाव में जीत पर सपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कर दी बधाई। थाना समाधान दिवस पर कैंट थाने पर क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। जीआरपी पुलिस ने यात्रा करने वाले यात्रियों का मोबाइल व सामान चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। क्षेत्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष व मंत्री निर्विरोध हुए निर्वाचित। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हनुमंत नगर वार्ड की पार्षद के नेतृत्व में कलश में संग्रहित किया गया मिट्टी व चावल।